नमस्कार जी सभी को। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की सीक्वेंस के अंदर अगले लेक्चर में आई वेलकम यू ऑल। और बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। और लेकिन ये टॉपिक जितना छोटा है एग्जामिनेशन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। है बड़ा छोटा सा ना, कहीं आप गाना मत गाने लग जाएं, नन्ना मुन्ना राही हूँ, ये टॉपिक भी गाना गाएगा, नन्ना मुन्ना टॉपिक हूँ, फिजिक्स का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय फिजिक्स, जय फिजिक्स, जय फिजिक्स। तो देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव इंटरप्लैनर स्पेसिंग इन अ लैटिस, कि दो प्लेन्स आपको दिए हों और आपको उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना हो तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने प्लेन्स, डायरेक्शंस और पॉइंट्स सब की बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन की। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया कि मान लीजिए 1, 2, 1 इस तरीके से बिना किसी ब्रैकेट के, बिना किसी कोमे के अगर इस तरीके से 3 डिजिट्स लिख दिए गए हैं, इसका मतलब ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने इनको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया है, दैट मीन्स इट इज़ सम डायरेक्शन। और अगर मैं कहूँ कि इसी को आपने ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर दिया है तो ये फैमिली ऑफ डायरेक्शंस हो जाएगी। हमने वहीं पर ये भी डिस्कस किया कि अगर ये 1, 2, 1 इस तरीके से लिखा गया है बिना किसी कॉमे के और विद इन द पैरेंथेसिस, देन दिस इज अ प्लेन। और अगर मैं कहूँ कि इसको अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स जो है वो हो जाएगी। वैसे भी मिलर इंडिसेस एक फैमिली ऑफ प्लेन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। ये सब कुछ हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। अब आपको कोई भी एक सपोज़ 1, 1, 1 मैं दे दूँ कि एक फैमिली है और आपको उनके बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि एक प्लेन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ये दो हैं और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस जो है ये आपको निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एग्जामिनेशन में किस तरीके से स्टार्ट करना है मैंने लिख दिया है पहले बोर्ड पर। इंटरप्लैनर स्पेसिंग इन एनी लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मिलर इंडिसेस ऑफ दैट प्लेन। ये कैसे आया ये अभी आपको पता चल जाएगा, वही कहानी, वही सब कुछ कि बिना प्रूफ के हमारी अदालत के अंदर खड़े होना भी गुनाह है। तो वो प्रूफ हम करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या कंसीडर करना होगा, एक प्लेन कंसीडर कीजिए। सो कंसीडर HKL be the Miller indices of a set of planes। मैंने एक set of planes consider कर लिया जिसके Miller indices क्या हैं, HKL हैं, और जिनकी interplanar spacing जो है वो हमें find out करनी है। तो आपको क्या करना है, उस पूरे lattice के अंदर एक point को origin choose कर लेना है, जो भी आपको दिया गया है lattice उसके अंदर let us take a point O as origin। उनमें से किसी भी प्लेन के ऊपर आप ओरिजिन चूज कर लीजिए एंड ड्रॉ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि मेरे पास एक पॉइंट ओ है जिसको ओरिजिन माना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस एंड दिस इज माई ओरिजिन ओ। ये जो ओरिजिन ओ हमने कंसीडर किया, ये हमने, मैंने अभी आपको कहा कि लेट इस पॉइंट ओ एज ओरिजिन ऑन वन ऑफ सच प्लेन्स। मान लीजिए आपके पास ये दो प्लेन्स हैं और आपको इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, तो आपको दोनों प्लेन्स में से किसी एक प्लेन पे ओरिजिन मान लेना है। क्योंकि याद कीजिए, वो पिछली बातें, वो भूली बिसरी बातें आपको भूलना नहीं है, उनको याद करना है। हमने कहा था कि अगर मिलर इंडिसेस किसी एक ऐसे प्लेन की अगर हम बात करें जो ओरिजिन में से पास हो रहा हो तो उसके पैरेलल वाले की डिस्कशन हम कर दें, उसको हम छोड़ दें, तो वो एक ही बात है, क्योंकि फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स जो हैं उनके मिलर इंडिसेस सेम रहते हैं। तो हमने क्या किया, एक प्लेन को ओरिजिन पे मान लिया ताकि मैं कहूँ कि उसके इंटरसेप्ट 0, 0, 0 हो जाएं और हमारे लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाएं अगर एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0 पे चला जाता है। तो सपोज मैंने यहाँ पर ओरिजिन माना, एक्स एक्सिस माना, वाई एक्सिस माना, जेड एक्सिस माना और दूसरा प्लेन इसके पैरेलल है, मीन्स वी हैव टू पैरेलल प्लेन्स, वन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड अनदर इज पैरेलल टू इट। And from this origin O, we are going to draw, यहाँ से, यहाँ पर मैंने origin O माना, तो यहाँ पर मैंने इस plane के ऊपर एक perpendicular draw कर दिया, और ये जो perpendicular है, this one is D, इसको हमें calculate करना है। So consider two parallel planes, one passing through origin and one parallel to it. From origin O, draw ON is equal to D perpendicular to the plane. अब जो origin वाला plane है वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, जैसे ये board मैंने बना रखा है, इसी board पे आप उस plane को मान लीजिए,
बोर्ड मैंने बनाया नहीं है, बेसिकली पहले बना हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक्सेस बना लिए हैं। तो दूसरा प्लेन, जैसे ये मेरा हाथ है, ये इस प्लेन के अंदर है, दूसरा प्लेन ऐसे फ्रंट पे, आपको थोड़ा 3D में अज्यूम करना पड़ेगा, फ्रंट पे इसके पैरेलल है और यहाँ से लाइन ऐसे डी मुझे लेना है। तो मैंने प्लेन माना एक, उस प्लेन के इंटरसेप्ट्स जो हैं, वो जो प्लेन है वो इन एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है ये आपको देखना है। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। और मैंने क्या किया, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये सामने वाला, ये वाला हाथ है और ये वाला है, इन दोनों के बीच कुछ इस तरीके से ये हमें अब रिप्रेजेंट करना है। एंड दिस, ये जो चौक नजर आ रहा है ये क्या है, दिस वन, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ये ओ एन इज इक्वल टू डी हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो मैंने माना ओरिजिन से, अब आपको ये लाइन देखिए 3D में कुछ ऐसे बाहर आती हुई नजर आएगी यहां से, तो मैंने यहां से ये एक पॉइंट ओ एन जिसकी जो लेंथ है वो क्या है, डी है, ये मैंने माना इस प्लेन से इस प्लेन के बीच का ये वाला डिस्टेंस। अब मुझे पहले इस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, उसके लिए मुझे एंगल्स भी चाहिए। सो लेट अस सपोज अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स विच परपेंडिकुलर ओ एन मेक्स विद एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। इस ओ एन ने ओ एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाया, सपोज दिस इज एंगल अल्फा, और इसने एक्सिस बी के साथ ये वाला जो एंगल बनाया, सपोज दिस इज एंगल बीटा, और इसने इसके साथ जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाया, सपोज दिस एंगल इज नथिंग बट गामा। और इसी एन को मैंने माना, इधर से भी कनेक्ट करवा दिया, इधर से भी आपको 3D में थोड़ा अज्यूम करना आसान हो जाए, कुछ इस तरीके से हमने इसको कंसीडर कर लिया है। अब देखिए मैं फिर से कहूं कि अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विच परपेंडिकुलर ओ एन मेक्स विद क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। माइंड इट, दीज आर नॉट इंटरफेशियल एंगल्स, ये इंटरफेशियल एंगल्स नहीं है जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिनोट किए थे, ये परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल्स बनाए हैं। नाउ दिस ओ ए ओ बी एंड ओ सी जो है ये इंटरसेप्ट्स हैं प्लेन ए बी सी के अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इस एक्स वाई, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे भला, क्या होंगे, बी के क्या होंगे, सी के क्या होंगे, ये अब हमें देखना है। ये ओ ए डिस्टेंस ये माना मैंने एक्स है, ओ वाई, वाई एक्सिस के अलोंग इसको माना मैंने वाई है, और इसको मैंने माना ये क्या है, जेड है। तो याद कीजिए मिलर इंडिसेस की कहानी, हमें पता है ये एक्स क्या होता था, एन वन ए, ये क्या होता था, एन टू बी, एंड ये क्या होता था, N3C, that we all have done. और हमें पता है हम ये 1 by N1, 1 by N2 और 1 by N3 को integers में convert करके क्या कह देते थे, H, K and L. Means हमें ये पता है इसी के साथ ही कि ये जो 1 upon N1 है ये किसके equal है, H के equal. Means N1 किसके equal हुआ, 1 upon H के. N2 किसके equal हुआ, 1 upon K के. और N3 किसके equal हुआ, 1 upon L के. मैं put करवा दूँ ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, A upon H, B upon K and C upon L. आपको समझ आ गया होगा कि अब जो coordinates हैं इस point के X axis पे, इसने इसको कहाँ पर काटा, A by H पे, Y 0, Z 0. इस point के coordinates हो गए, मैंने coordinates लिखे हैं AH 0, 0. इसी तरीके से आप Y axis के coordinates लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये वाला जो distance है, this will be B by K, so 0, B by K 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करना है बिना ब्रैकेट्स के, रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमिलरली दिस वन, ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, 0 0 C by L। तो ये हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। अब आपको समझ आ रहा है यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको नहीं किया है तो आप लोग एक पॉज देके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको एंगल्स की बात करनी है और उसके बाद आपको बात करनी है डायरेक्शन कोसाइंस की। मैं डेफिनेशन या मैं कहूँ द स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना आंसर क्वेश्चन में कभी भी कंसीडर से स्टार्ट मत करें ना, क्योंकि जैसे आप लोग अपने घर में, सपोज कॉलेज में या स्कूल में कहीं पर आपको टूर पर जाना है और
आप अपने जाके पेरेंट्स को कहें कि मुझे तो 2000 रुपीज़ दे दिए, चटाक एक चाट आएगा कि क्यों चाहिए। आप पहले भूमिका बनाते हैं कि फलाना आज क्लास लगी थी, क्लास में ये डिस्कस हुआ, हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, टीचर ने कहा ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, तो आप मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं पेरेंट्स को दैट यू आर गोइंग टू डिमांड मनी। तो एग्जैक्टली सेम आपको एग्जामिनर को भी प्रिपेयर करना है, वट यू आर गोइंग टू डू इन दिस टॉपिक। तो उसके लिए कंसीडर से आंसर कभी मत शुरू करना अपना, कुछ ना कुछ भूमिका आपको ज़रूर बनानी है और उसके बाद आगे चलना है। तो चलिए हम बना चुके हैं वो भूमिका। सो अब क्या होगा कि ये जो ओ एन है, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं कि उसने अगर किसी के साथ किसी लाइन के साथ कोई एंगल बनाया है तो उस साइड पे कॉस वाला कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। सो कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस ओ एन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और जो ओ ए है, इस ओ ए की वैल्यू हमें पता है ए अपॉन एच है, दिस इज ए अपॉन एच, दिस इज बी अपॉन के एंड दिस इज सी अपॉन एल। सो एग्जैक्टली सेम ओ बी विल बी बी अपॉन के एंड ओ सी विल बी सी अपॉन एल। ये हो गया। Here these A, B, C, you already know these are lattice parameters, या मैं कहूँ कि primitives हैं, basic vectors हैं। अब coordinates of A, B, C भी हम लोग लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, right angle triangle O, A, N, ये वाली triangle, this one, O, A, N, थोड़ा सा ध्यान से आपको इस triangle को देखना है। यहाँ पर 90 बन रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने ऐसे इस प्लेन के साथ ये इस तरीके से है कुछ, तो यहाँ पर दिस वन, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखिए, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल ये अल्फा है। सो दिस वन, दिस ओ एन इज बेस, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर जो कॉस एल्फा हो जाएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन ए, कॉस एल्फा, कॉस एल्फा किसके किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस है ओ एन, हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके इक्वल है, ओ ए के। तो ये हो जाएगा ओ एन अपॉन ओ ए। ओ एन की वैल्यू हमें पता है, इट इज नथिंग बट डी, और ओ ए की वैल्यू भी हमें पता है, इट इज नथिंग बट ए अपॉन एच। तो यहां से कॉस एल्फा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एच डी अपॉन ए। इन सिमिलरली exactly in the same way you will consider a right angle triangle OBN, exactly same OBN, इस triangle के अंदर भी यहाँ पर 90 बन रहा है, this one angle is beta, ये हो जाएगा base and this one will be hypotenuse। तो again इस triangle के अंदर cos beta, cos beta जो है वो again किसके equal हो जाएगा, ON upon ON upon OB, this will be ON upon OB, ओ एन की वैल्यू डी, इसकी बी अपॉन के, तो ये हो जाएगा के डी अपॉन बी। सो सिमिलरली यू विल कंसीडर, बिल्कुल इसी तरीके से आपको थर्ड ट्राइंगल ले लेनी है, ट्राइंगल ओ सी एन, वहां से आपको मिल जाएगा कॉस गामा, दैट विल बी ओ एन अपॉन ओ सी। तो एग्जैक्टली ये वाली जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर दिस विल बी डी अपॉन सी अपॉन एल, ये हो जाएगा एल डी अपॉन सी। ये आ गया हमारे पास। नाउ वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इन अ प्लेन। तो डायरेक्शन कोसाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैं यहां लिख दे रही हूं। अब मैं इस डेफिनेशन को भी इरेज कर देती हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, भूमिका को, भूमिका कोई लड़की नहीं है यहां पर, इट इज अ इंट्रोडक्शन। सो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इन अ प्लेन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू वन। अब क्या करना है, यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट कराना है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस, नथिंग एल्स। और चलो बन गया जी, बन गया हमारा काम, बन गया। तो आप यहाँ पर पुट करवाइए, कॉस एल्फा की वैल्यू देखिए क्या है, एच डी अपॉन ए इसका स्क्वायर प्लस कॉस बीटा की के डी अपॉन बी इट्स स्क्वायर प्लस एल डी अपॉन सी एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब मैं इस पोर्शन को भी इरेज कर दे रही हूँ। तो अब क्या करना है, यहां से d स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा h अपॉन a होल स्क्वायर k अपॉन b स्क्वायर l अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू वन। हमें वैल्यू इस d की निकालनी थी, सो d स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन h अपॉन a स्क्वायर h अपॉन
बी स्क्वायर एच अपॉन सी स्क्वायर, और डी है ये, अगर आपको इसको दोनों साइड रूट ले लेना है, सो दिस वन विल बी द फॉर्मूला फॉर इंटरप्लानर स्पेसिंग इन एनी लैटिस, कि दो लैटिसेस हैं, दो लैटिस के अंदर दो प्लेन्स हैं, उनके बीच की ब्लीच नहीं बीच की स्पेसिंग जो है वो इस फॉर्मूले से डिनोट की जाएगी। एक और मेथड है, बड़ा इजी मेथड है इस फॉर्मूले को डिराइव करने का, लेट अस डू दैट आल्सो। इस फॉर्मूले को यहाँ मैं साइड पर लिख दे रही हूँ, दिस इज डी इज इक्वल टू वन अपॉन, अभी हमें इसके स्पेशल केसेस की बात भी करनी है, एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस के अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी स्क्वायर। सो अनदर मैथड टू डिराइव दिस फॉर्मूला इज, आप लोगों को जो ईजी लगे आप कर सकते हैं, मैथड नंबर वन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट वन इज मैथड नंबर टू। बड़ा ईजी मैथड है ये, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है, एक्स अपॉन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उस प्लेन का इंटरसेप्ट, कितना इंटरसेप्ट है, ए अपॉन एच, हमें पता है दिस वन, ये वाली वैल्यू ये कितनी है, ए अपॉन एच प्लस वाई अपॉन वाई एक्सिस के अंदर उस प्लेन का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, अलॉन्ग बी अपॉन के प्लस जेड अपॉन जेड एक्सिस के अलॉन्ग इट्स का इंटरसेप्ट, इट विल बी वन। सो दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वी नो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, जैसे ओरिजन है, ओरिजन से मैं अगर इस प्लेन तक का डिस्टेंस निकाल लूँ तो वो क्या हो जाएगा, उस प्लेन और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर ये ओरिजन था और इस प्लेन के बीच ये जो डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करना था, यहाँ ओरिजन है, इस पॉइंट का मैं इस प्लेन से अगर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो हमें पता है फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम अ प्लेन, कौन सा प्लेन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल टू वन, और या प्लस वन इक्वल टू जीरो जो है वो आप ले सकते हैं, हाँ प्लस टी इक्वल टू जीरो, सॉरी क्योंकि ये यहाँ आ गया। सो दिस इज, इस फॉर्मूले के लिए डी जो है पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से, क्या फॉर्मूला रहता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस टी मॉडलस डिवाइड बाई पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन का डिस्टेंस किससे लिया हमने, प्लेन ए बी सी से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आपको कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, सो यू नीड द डिस्टेंस बिटवीन मैं कहूँ कि पॉइंट जीरो 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 विद द प्लेन जिसके इंटरसेप्ट्स जो हैं, मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एच अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के अपॉन बी, एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल अपॉन सी, आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कराइए और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। सो डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन ए, एक्स वन मीन्स जीरो, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, के अपॉन बी, वाई वन इज जीरो, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन सी, जेड वन इज जीरो, और जो मैं कहूँ कि डी यहाँ पर दिस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, यहाँ पर डी भी हमें लिखना था, माइनस वन अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एच अपॉन ए स्क्वायर, के अपॉन बी स्क्वायर, एल अपॉन सी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव मीनिंगलेस है, सो दिस डी विल कम आउट इक्वल टू वन अपॉन रूट एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस के अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर इंटरप्लानर स्पेसिंग। तो दो मैथड्स हैं, एनी मैथड यू कैन ऑप्ट, आप किसी भी मैथड के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं स्पेशल केसेस की बात करूँ, कमिंग ऑन टू स्पेशल केसेस, कि कौन कौन से लैटिस के लिए ये जो वैल्यू आ जाती है ये वैल्यू कितनी आती है स्पेशल केसेस के अंदर। इफ आई फर्स्ट टॉक अबाउट टेट्रागोनल सिस्टम, फॉर अ टेट्रागोनल सिस्टम, यू नो टेट्रागोनल सिस्टम अगर मेरे पास है अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्रेविस लैटिसेस, तो उसके अंदर हमें पता है ए इज इक्वल टू बी होता है, आप यहाँ पर ए और बी को इक्वल कर दीजिए, सो डी विल बी वन अपॉन एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस के अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी स्क्वायर एंड इट्स रूट, ये हो जाएगा फॉर टेट्रागोनल सिस्टम। आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सो डी इज इक्वल टू वन अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
plus L upon C square and its root. So this is formula for interplanar spacing in a tetragonal system. आपको examination में आ जाता है cubic system के लिए इसको find out करिए. Cubic system तो बहुत आसान है. A equal to B equal to C. तीनों ही जो sides हैं वो हम क्या कर देंगे बराबर. So second special case is for a cubic system. So second one will be cubic system. क्यूबिक सिस्टम के अंदर हमें पता है a इक्वल टू b इक्वल टू c. इस फॉर्मूले में आप पुट करवाइए. सो 1 अपॉन h अपॉन a स्क्वायर प्लस k अपॉन a स्क्वायर प्लस l अपॉन a स्क्वायर. तीनों को मैंने a a a पुट करा दिया. अब ये ऊपर आ जाएगा d. a स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल. तो हमारे पास बचेगा a अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l square. This is formula for interplanar spacing in case of a cubic lattice. अब आपको examination में इसके numericals भी आ जाते हैं. तो वो numericals किस type के आते हैं? Let us see that. बड़े आसान से जो numericals हैं वो examination में probable रहते हैं इस topic के. तो देखिए जैसे मैं एक example आपको दूं, पूछूं कि आपसे कहूं कि calculate the interplanar distance between 0, 0, 0, 1, 1. कैलकुलेट इंटर प्लानर डिस्टेंस बिटवीन 0, 1, 1. देखिए जब ऐसे डाला हो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट फैमिली ऑफ प्लेन्स. पूरे सेट की बात कर रहे हैं. ये घुंडीदार ब्रैकेट हो ना जब, तो इन प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है इन अ क्यूबिक लैटिस. दिस इज गिवन इन अ क्यूबिक लैटिस. ये बड़ा आसान काम इन्होंने हमारे लिए कर दिया कि लैटिस जो है वो क्यूबिक है. वी नो दैट फॉर अ क्यूबिक लैटिस प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वैक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर. हमने ए बी सी सबको ए के इक्वल मान लिया. और हमें पता है वी नो दैट फॉर्मूला फॉर इंटरप्लानर स्पेसिंग इज 1 अपॉन रूट एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस के अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी स्क्वायर. अभी हमने दो मिनट पहले सॉल्व किया था जब तीनों को ए ए पुट करवाया तो हमारे पास फॉर्मूला आया था ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो बड़ा आसान रहता है आपके लिए. अदरवाइज इस ए को ए रखिए. 0, 1, 1, 0, 1, 1 इस प्लेन की वैल्यू. h की वैल्यू पुट कीजिए 0, k की वैल्यू पुट कीजिए 1, l की वैल्यू पुट कीजिए 1. सो दिस इज a अपॉन रूट 2. बड़ा आसान. समटाइम्स क्या होता है कि आपको जो है रेडियस दे दिया जाता है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज दिस मच एंड कैलकुलेट इंटरप्लानर स्पेसिंग. तो आपको क्या करना होता है, और आपको दे दिया होता है कि एफ सी सी लैटिस है या बी सी सी लैटिस है या मैं कहूँ कि सिंपल क्यूबिक लैटिस है. अगर आपको कहें कि सिंपल क्यूबिक लैटिस है तो आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर दिस लैटिस कॉन्स्टेंट ए इज, या मैं कहूँ या आर जो है वो क्या होता है ए बाय 2 होता है. और a यहां से क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r. कई बार आपको ये रेडियस दे रखा होता है कि एक एटम का रेडियस इतना है एंड लेट इज ए सिंपल क्यूबिक एंड फाइंड द इंटरप्लैनर डिस्टेंस फॉर 0, 1, 1. तो आप यहां पर उस r को पुट कराइए, a कैलकुलेट कीजिए, यहां पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाता है. इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि कैलकुलेट द इंटरप्लैनर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स 1, 1, 2 फॉर क्यूबिक लैटिस, तो ये सारी कहानी यहां तक तो सेम रहेगी. यहां पर आकर क्या हो जाएगा D112, क्योंकि ये जो है ये DHKL है. मतलब ये क्या है DHKL, मतलब HKL प्लेन के लिए डिस्टेंस है. तो ये 112 A अपॉन H की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1 और L की वैल्यू है 2 का स्क्वायर मींस 4. तो ये हो जाएगा A रूट 6 एंड दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर. तो इस तरीके से आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकते हैं. लेकिन ये देखने में जितनी छोटी हैं एग्जामिनेशन में उतना बड़ा रूप इन द सेंस कि ज़्यादा मार्क्स लेकर आपके सामने आ सकती हैं. सो यू कैन डू इट बेटर. थैंक यू सो मच.